नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आज और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। ग्वालियर में हत्या का मामला सामने आया, जहां पति पत्नी के आपसी विवाद के चलते रामाशंकर ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। दरअसल रामाशंकर अपनी पत्नी संगीता के चरित्र पर शक करता था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा इस कदर बढ़ गया कि वह घर से जाने लगी तो पति ने पकड़कर उसे अंदर दरवाजा लगाकर उसका गला दबा दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने डायल 100 पर जानकारी देकर खुद पुलिस को बुलाया। मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रारंभिक छानबीन के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और हत्या का मामला दर्ज कर रामाशंकर को गिरफ्तार कर लिया। मैंने पूछा कहाँ गई थी, पर मेरे को गाड़ी क्लोज करनी थी। कह रही तुमको क्या करना, नहीं तुमको भी मार देंगे हम जान से। 12 बजे भागने की कोशिश की, मैंने पूछा कहाँ जा रही है, मेरे को तो बताओ जाना कहाँ है। बोले तुम भाग जाने, बोले हम तुम्हें मार डाल। तब मैंने सोफिया का अंडा दे के मार दी, पर मैंने 100 नंबर को हड़ताल पहुँचा। वहाँ किसी उमेश ने ये सूचना दी है कि मेरे चाचा रामाशंकर व्यास ने मेरी चाची संगीता व्यास का चरित्र संदेह को लेकर के गला दबा के हत्या कर दी है। उस सूचना पर मैं भगा भगा आया, चूंकि एम के सिटी थाना पड़ती है, तो आके देखा जो घटना बताई थी वो सही पाई है। को मेरे द्वारा बुलाया गया और जो घटना है वो सही, उसके पति रामाशंकर व्यास ने अपनी पत्नी संगीता व्यास का चरित्र के संदेह को लेकर के रात में 12 बजे स्वापी गला दबाकर हत्या कर दी है। ग्वालियर से भूपेंद्र साहू की रिपोर्ट न्यूज आज। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए न्यूज आज।